ये सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है दोस्तों कि जो आशंका राहुल गांधी ने रात 2 बजे जाहिर की थी कि ईडी जांच एजेंसी ईडी उन पर कभी भी दबिश डाल सकती है, अब अचानक तमाम अखबारों में ये खबरें जो हैं वो जोर पकड़ रही हैं कि राहुल गांधी को नेशनल हेरल्ड मामले में पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारत समाचार इस मुद्दे पर क्या कह रहा है। दिल्ली राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, जल्द ही राहुल गांधी को ईडी नोटिस भेज सकती है, ईडी नेशनल हेरल्ड मामले में पूछताछ कर सकती है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, 2022 में राहुल गांधी को बुलाया गया था। अब आप कहेंगे कि वजह क्या है? दोस्तों वजह सिर्फ एक थी, वो थी संसद के अंदर चक्रव्यूह के मामले पर राहुल गांधी का ऐतिहासिक भाषण जिससे पूरी बीजेपी हिल गई थी। मगर अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है, उसका धमाका होता है, राहुल गांधी सीधे तौर पर माधवी बुच को घेरते हैं और अब मामला और गर्मा रहा है। नतीजा आपके सामने, तमाम खबरें। जी हां, राहुल मे बी कॉल्ड फॉर ईडी क्वेश्चनिंग। फिर ये देखिए, ईडी में समन राहुल गांधी इन AJL केस। इसका मतलब राहुल गांधी ने जो कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था वो कितना सही था। और आपको ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी की तरफ दो तरफा प्रहार हो रहा है, एक तरफ जांच एजेंसीज के जरिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए, ये मत भूलिए कि अरविंद केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार किया गया था, ये मत भूलिए कि मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में थे और अब CBI और ईडी दोनों केस में उन्हें बेल मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में बेल मिल गई है और अब ईडी राहुल गांधी को बुला रही है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी को बदनाम करने, उन्हें देशद्रोही बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या नहीं कह रही है। मगर मैं आपको एक एक करके राहुल गांधी के वो बयानात सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले वो बयान जिससे भाजपा बुरी तरह से हिली हुई है। राहुल गांधी ने जब 6 लोगों का नाम लेकर कहा था कि इन लोगों की वजह से देश का आम आदमी जो है वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, 6 चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर, ट्रैप कर कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी,
अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी प्लीज मारे सर, प्लीज एक मिनट। और फिर याद कीजिए दोस्तों, किस तरह से उन्होंने कहा था कि देश के सामने दो मॉडल्स हैं, एक तरफ जनता को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ वो सोच जो कि शिवजी की बारात की तरह है, जिसमें सब लोग हमारे साथ हैं। ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहे हैं। नतीजा, राहुल गांधी 2 बजे ट्वीट करते हैं कि ईडी दस्तक देने वाली है। सुनिए शिवजी की बारात बनाम चक्रव्यूह पर राहुल गांधी ने क्या कहा था। तो पद्मिनी वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस? मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। दिक्कत यहां पर यह है दोस्तों कि ईडी और जांच एजेंसी को लेकर हमारे राजनेताओं में डर पूरी तरह से गायब हो गया है, और देश की जनता भी जांच एजेंसी की जो कार्रवाई होती है ना दोस्तों, उसे भी बहुत शक की निगाह से देखती है। इसीलिए राहुल गांधी नहीं डरते। राहुल गांधी तो वैसे भी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एजेंसी से नहीं डरते। इनफैक्ट उन्होंने बताया था कि जब जांच एजेंसीज ने उनसे 40 घंटे पूछताछ की थी, तब उन्होंने जांच एजेंसी से क्या कहा था। उन्होंने जांच एजेंसी से कहा था कि यह मत सोचिए कि आपने मुझे बुलाया है, यह सोचिए कि मैं यहां खुद आया हूं, और खुद आने की क्या वजह थी राहुल गांधी ये गिना रहे हैं। सुनिए, मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे, और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलत फहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है, और मैं बिलीव करता हूं
चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। तो अब राहुल गांधी को बुलाया जाना लगभग तय है। एक तरफ एजेंसीज के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उन पर हमले की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आती है तब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे राजीव चंद्रशेखर हो जिनके बयानात मैंने आपको सुनाए, या आज रविशंकर प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तेवर वही हैं। बार बार राहुल गांधी को देशद्रोही के तौर पर पेश करो, जनता अब इस बात को हजम नहीं कर रही है दोस्तों, मगर भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए माननीय इस्तीफा शंकर प्रसाद, आई मीन टू से रवि शंकर प्रसाद ने किस तरह से हमला बोला था। ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल फोरम ऑफ द बीजेपी, यू वुड लाइक टू से विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आफ्टर बीइंग रिबफ्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, द कांग्रेस पार्टी, इट्स एलाइज एंड इट्स क्लोजेस्ट एलाइज द टूल किट गैंग have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. Desh mein aarthik arajakta aur aarthik asthirta. Swabhavik hai, Hindenburg is again at the same game. Ye report shanivar ko release hoti hai. रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। और बात वहां नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद सांसद गिरिराज सिंह, राहुल गांधी और जयराम रमेश देश को बदनाम करने वाले लोग हैं, हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये लोग देश के दुश्मन हैं, हिंडनबर्ग पर कड़ी कार्रवाई होगी, देश के दुश्मन। आपके किसी के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं दोस्तों, मगर आप उसको देश का दुश्मन नहीं बता सकते। आपके किसी के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं मगर उसके बारे में यह नहीं कह सकते कि भाई इसका ड्रग्स टेस्ट कराना चाहिए। तमाम हदों को पार कर रहे हैं भाजपा के नेता, हमले की तमाम हदों को पार कर रहे हैं और यह नहीं समझ रहे हैं कि इससे राजनीति हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। आप जो अपने कट्टर भक्त हैं उनके अंदर इतना जहर, इतनी नफरत भर रहे हैं राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए। आज की तारीख में भाजपा का अंधभक्त जो है वो मान के चलता है कि राहुल गांधी देशद्रोही है, वो ये मान के चलता है कि उसकी सांठगांठ देश विरोधी ताकतों के साथ है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ वो साजिश रच रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है भाजपा की सांसद, नहीं मैंने ट्रोल मानता हूं, कंगना रनावत, इनका एक और बयान आया है। क्या बयान दे रही है, बहुत खतरनाक है ये, राहुल गांधी को नफरती, खतरनाक और कड़वा आदमी बता रही हैं। अंग्रेजी में बयान है, हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। कंगना रनौत, राहुल गांधी इज द मोस्ट डेंजरस मैन, ही इज बिटर, पॉइजनस एंड डिस्ट्रक्टिव। राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो जहरीला है, नफरती है और तबाही मचाने वाला है। हिज एजेंडा इज दैट इफ ही कांट बिकम द प्राइम मिनिस्टर देन ही माइट एज वेल डिस्ट्रॉय द नेशन। कंगना कह रही है राहुल गांधी की यह सोच है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो देश को ही बर्बाद कर दो। आगे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट टारगेटिंग आ स्टॉक मार्केट दैट राहुल गांधी वॉज एंडोर्सिंग लास्ट नाइट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ डैम्प स्क्विब। वो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो खोदा पहाड़ निकली, चूहिया निकली, जहां पर साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जिस मामले की आप जांच करने को नहीं तैयार हो उसको लेकर इस तरह की बातें। आगे क्या कहती है कंगना, He is trying everything to destabilize this nation, its security and its economy. वो कहती हैं कि राहुल गांधी इस देश को, इसकी सुरक्षा को और इसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हैं। Mr. Gandhi, get ready to sit in the opposition all your life and the way you suffering, get ready to suffer the glory, the growth and the nationalism of the people of this nation. They will never make you their leader. You are a disgrace. यहां पर वो कह रही है कि राहुल गांधी जिंदगी भर आप विपक्ष में बैठने को तैयार रहिए, देश की जनता आपको कभी अपना नेता नहीं मानेगी, आप एक डिसग्रेस हैं, आप एक कलंक हैं।
आपको यह भी समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, यह संसद के सत्र के खत्म होने पर खींची गई तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी हंस रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा किस तरह से उतरा हुआ है। जानकार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इसी तरह से राहुल गांधी के सामने उतर जाता है। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने किस तरह से ये तक कह डाला था कि प्रधानमंत्री का गला घोंटा जा रहा है। ढाई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। ये राहुल गांधी की नीतियों का कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज और उनकी राजनीति का असर ही दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उनके सामने बुरी तरह से उतर जाता है। कभी देशद्रोही, कभी कलंक, कभी तबाही मचाने वाला राहुल गांधी पर जब पप्पू वाला प्रोपेगेंडा फेल हो गया, तो अब देखिए किस तरह से उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। मेरी नसीहत राहुल गांधी और उनके सुरक्षा में लगे लोगों को, और यह नसीहत को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, पंडित नेहरू के बाद अगर आरएसएस किसी से इतनी ज्यादा नफरत करती है तो वो राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी भी धर्मनिरपेक्षता के साथ समझौता नहीं किया, वो कभी भी आरएसएस के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, और वो बगैर झुके हमला बोलते रहते हैं। पंडित नेहरू आज जिंदा नहीं, मगर उन्हें बदनाम करने की कोशिश आज भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आज जो मुकाम पंडित नेहरू का है, वही मुकाम राहुल गांधी का आरएसएस, बीजेपी और उनके नफरती चिंटुओं की आंखों में है। क्यों? क्योंकि ये आदमी समझौता नहीं करता है, ये आदमी पीछे नहीं हटता है, ये आदमी बगैर फिल्टर के आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमला बोलता है। याद कीजिएगा किस तरह से संसद में कहा था कि आप लोग नफरत की बातें करते हैं, आप में जहर भरा हुआ है, और तब उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी को हिंदू विरोधी पेश किया गया था। यह लगातार किया जा रहा है, एक टूल किट के हिसाब से किया जा रहा है और एक नई सोच के हिसाब से किया जा रहा है। अब उन्हें पप्पू नहीं बताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अब राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहे हैं, लिहाजा अब उस आदमी को देशद्रोही बताओ, उसे नफरती बताओ, उसे तबाही मचाने वाला अराजक तत्व बताओ। भाजपा जानती है कि उसकी सत्ता को अगर कोई चुनौती दे सकता है राष्ट्रीय तौर पर, तो राहुल गांधी है। क्षेत्रीय स्तर पर दो लोग उसके लिए सिरदर्द का सबब बने हुए हैं, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं ये तीन चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब हैं, और इन तीनों में सबसे ऊपर राहुल गांधी हैं। इसीलिए कंगना रनावत, इसलिए गिरिराज सिंह, इसलिए रविशंकर प्रसाद, सुधांशु त्रिवेदी, राजीव चंद्रशेखर राहुल गांधी के लिए जहर उगल रहे हैं, और समानांतर तौर पर एजेंसीज उनसे पूछताछ कर रही हैं। यह है सारा टूल किट दोस्तों, अगर समझ सको तो समझ जाओ। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।